Morning, my dear student. Most welcome to the online classes SPPS. In this video for 6th class English, today I will teach you lesson number 13. आपका lesson number 13 is simple future tense. Simple future tense, जिसकी हिंदी में गागी के लगे होते हैं. Uses कहाँ होते हैं देखिए. Simple future tense is used to express an action विच इज लाइकली टू अकर इन फ्यूचर, जो संभव है फ्यूचर होने का. जैसे कि सी विल कम टू सी यू. इट इज यूज टू शो हैबिचुअल एक्शन. इसका यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शन दर्शाने के लिए. विच इज लाइकली टू टेक प्लेस, संभवतः होना है. जैसे आई शैल गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा. इसके बाद इट इज यूज टू डिनोट ए फ्यूचर एक्शन विच इज ए इनडेफिनिट इन नेचर, जो कि इनडेफिनिट होता है नेचर में. तो इसके मैं रूल बताऊंगा. देखिए सिंपल नेगेटिव इंटरप्रेटिव, वैसे आप लिखोगे सिंपल सेंटेंस. एक्टिव रूल ये होगा खाली एक्टिव पैसिव के. इसमें पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल. आप जानते हो आई बी के साथ शैल लगता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करोगे आप. फिर बी वर्ब ऑब्जेक्ट अदरवाइज सेंटेंस. मैं कल कानपुर जाऊंगा. दे मैदान में आज पटवार खेलेंगे. तो देखो रूल में सब्जेक्ट दिया गया है. मैं कल कानपुर जा कौन जाऊंगा. मैं आई आई के साथ शैल लगाना है. आई शैल गो टू कानपुर. ऑप्शन की जहाँ टमाओ लग जाएगी टी ओ आई ओ डबल आर ओ डब्लू. नेगेटिव देखो इसका. नेगेटिव में रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बिल और शैल. इसके बाद नॉट बीवन ऑब्जेक्ट अगर वैसे मैं कल कानपुर नहीं जाऊंगा. तो आई शैल नॉट लिखा नॉट गो टू कानपुर और टुमारो टी ओ आई यू डबल आर डबल. इसके बाद इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव इज नॉट आई. तो पहले हेल्प में पहले आ जाएगी आपकी बिल और शैल प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदरवाइज ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्या लगेगा क्या मैं कल आज कानपुर जाऊंगा. तो बिल दिया गया मैं के अनुसार साइल पहले आएगा. तो साइल सब्जेक्ट आई गो टू ऑब्जेक्ट कानपुर टुमारो कल टी ओ आई एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क. इसके बाद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का रूल. इसमें इंटरोगेशन वर्ब पहले हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट गिवन ऑब्जेक्ट अदरवाइज संभव से. मैं कल कानपुर क्यों नहीं जाऊंगा है. तो वाई क्यों है इंट्रोगेशन पर दिया गया. वाई फेल हो गया. सब्जेक्ट सही लग जाएगा है. फिर बात सब्जेक्ट आई नॉट गो टू कानपुर टुमारो अदर वर्ड. ठीक है. सेकंड सेंटेंस एज अ होमवर्क एंड आल्सो कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक्स.